आप इस चुनाव में किन किन मुद्दाओं को लेकर के लोगों से वोट मांगने जाएंगे? देखिए, मुद्दा पर नहीं, विकास पर हम वोट मांगेंगे। जो मधुपुर में विकास किए हैं, चाहे रोड के मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, रोड करीब 100 आरईओ से 130 रोड 120 रोड का टेंडर हो चुका है और 10 रोड टेंडर प्रक्रिया में है। मधुपुर के इतिहास में पहली बार 130 रोड का सेंक्शन हुआ, पीडब्ल्यूडी द्वारा इतना काम हुआ है। हम मैंने मोटा मोटी 600-700 करोड़ रुपया का काम यहाँ हुआ। धार्मिक स्थान जो भी है उसका सौंदर्यीकरण का हम काम किए हैं, मंदिर का सौंदर्यीकरण, मजार का सौंदर्यीकरण, मस्जिद में लेटरिन बाथरूम, हुजरा जहाँ इमाम साहब रहते हैं, कब्रिस्तान घेराबंदी, मदरसा हॉस्टल, और आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में जितना कब्रिस्तान घेराबंदी मैंने किया वो विश्व रिकॉर्ड है। पूरे विश्व में आज तक नहीं हुआ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जब नगर विकास मंत्री बना, करीब 60 करोड़ का काम मैंने मधुपुर नगर पालिका क्षेत्र में लाया। कुछ टेंडर हुआ है, टेंडर खुला नहीं है। लाइट 15 करोड़ का हम लाइट दिए हैं। आप जब यहाँ सबसे बड़ा छठ यहाँ झील तालाब में होता है, नाली का पानी हमेशा झील तालाब में जाता था, किसी ने आज तक नहीं किया। मैंने पिछला बार वादा किया था और वादा को पूरा करके आप देख सकते हैं जाकर के, उस पानी को हम झील तालाब में घुसने से रोके, दूसरा जगह डाइवर्ट किए। आपके चिर प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से गंगा नारायण सिंह है, क्या इस बार आप उन्हें मात दे पाएंगे? देखिए, मेरे खिलाफ जो भी खड़े हैं हम एक तरफ हैं, और जो खिलाफ में है वो मेरा प्रतिद्वंदी होगा। और जो जनता, मधुपुर की जनता में जो उत्साह है, उस उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है, और सारे जाति धर्म के लोग, जहां मैं कभी, जिस गांव में मैं कभी गया नहीं था, न मेरे वालिद साहब गए थे, उस गांव के भी लोग आते हैं, मिलते हैं कि नहीं। माननीय हेमंत सोरेन जी ने सबसे बड़ा जो बोझ था गरीबों का, बिजली बिल माफ़ किया, फिर 200 यूनिट बिजली फ्री किया, मैया सम्मान योजना, महिलाओं को पैसा के लिए मोहताज होना पड़ता था, एक छोटा सा प्रयास हम लोग किए हैं, और उसको हम लोग दिसंबर से 2500 भी करने का कैबिनेट में पास हो गया है। सारा दिसंबर से 2500 रुपया सबके खाता में जाएगा। इसमें आपके विपक्षी गोगो योजना भी लागू है, मतलब बीजेपी कर रही है गोगो योजना भी ला रहे हैं हम लोग, उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? हम अपना बात बोलेंगे, गोगो योजना कहाँ है, कहीं है ही नहीं, उसका चर्चा भी करना नहीं है, सब चर्चा करना बंद कर दिया। तो उस विषय में चर्चा, जो चीज़ कहीं है ही नहीं उसमें चर्चा करके क्या फ़ायदा? आपका कौन सा विकास चीज छूट गया जो आपकी बार जीतने के बाद मधुपुर विधानसभा? देखिए, अभी शिक्षा के क्षेत्र में मैंने मधुपुर में सबसे पहले मेरा प्राथमिकता है शिक्षा। अगर हम अपना क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करेंगे तो वो मुझे वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, मेरा विकास देख के वो वोट देंगे। मधुपुर का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन में दो दो ITI कॉलेज का हम उद्घाटन किए, महिला कॉलेज, डिग्री महिला कॉलेज का यहाँ हम उद्घाटन किए, मार्गोमुंडा में डिग्री कॉलेज मैंने पास कराया, अल्पसंख्यक +2 आवासीय विद्यालय भी मार्गोमुंडा में मैंने पास करवाया, काम भी चल रहा है उसका। मधुपुर में नगर पुस्तकालय मैंने
नागरिक यहाँ के नागरिकों के सहयोग से, बुद्धिजीवियों के सहयोग से अभी 1000 बच्चा है। और मैं हर प्रखंड में एक पुस्तकालय बाबा साहब के नाम से, अभी मैं एक नवा भेड़वा नवाड़ी में दिया हूँ, फिर करों में एक दूंगा, फिर मार्गोमुंडा में दूंगा, फिर देवीपुर में दूंगा, फिर देवघर में दूंगा। शिक्षित हमको करना है, इसके बाद रोड का जो समस्या है, बहुत रोड किए हैं, अभी बहुत जगह बाकी है, उसको मैं करूंगा। बिजली के क्षेत्र में मैंने 152 करोड़ रुपया का टेंडर मधुपुर विधानसभा में करवाया, लेकिन एक महीना पहले आचार संहिता लगा दिया। पिछला बार 23 दिसंबर को गिनती हुआ था, इस बार 23 नवंबर को हो रहा, तो उसके चलते बहुत काम हम लोग का पाइपलाइन में था जो अब शुरू होता, जो डिस्टर्ब किया, वो जानबूझ के डिस्टर्ब किया। लोकतंत्र की हत्या बीजेपी द्वारा किया गया, इस बारे में भी सबको हम लोग बतलाते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया और ये जो है कहीं से भी इसका पुरजोर विरोध नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अपने स्तर से किए हैं, लोगों को बोलते हैं कि एक महीना और मेरे पास समय था, हम लोग काम करते, जिसको केंद्र सरकार ने साजिश के तहत हम लोग से छीन लिया। आपके सरकार के ऊपर लोगों और जो विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि उन्होंने नौकरी के नाम पे सीट बेचने का काम किया, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सरासर गलत है। अभी तो वो बोल रहे हैं नौकरी ही नहीं दिए, वो तो बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं दिए हैं, तो बेचने कहाँ सवाल हुआ। ये बात सही है कि जितना हमको वैकेंसी निकालना था उसमें थोड़ा हम लोग पीछे रहे, उसका कारण है कोर्ट कचहरी, कोर्ट चल जाता था और एक षड्यंत्र के तहत कोर्ट भी मैंने हम लोग के साथ जल्दीबाजी नहीं किया, थोड़ा लेट कर दिया और हम लोग डिस्टर्ब ही रहे। 5 महीना हमारे मुख्यमंत्री जेल में रहे, उससे सरकार का दिक्कत हुआ, 2 साल कोरोना रहा, फिर भगदड़ भी हुआ बीच में कि सरकार गिरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बीजेपी फर्स्ट दिन से ही लगा था कि कैसे हम सरकार को गिराएं, उसको यहाँ के लोगों से मतलब नहीं है, यहाँ के खनिज संपदा से मतलब है। उनको है कि अडानी को कैसे हम यहाँ बैठाएं, कोल के क्षेत्र में, लोहा के क्षेत्र में, जिस तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया। आप पता कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में हजारों एकड़ ज़मीन जो जिसमें आदिवासी मूलवासी वास करते थे, उसको घर को उजाड़ दिया। विपक्ष करे कि मैया योजना जो है वो लॉलीपॉप के तरह काम करी है सरकार, इतना दिन में कुछ नहीं किए, 3 महीना 4 महीना। देखिए मैया सम्मान योजना हम लोग को जनवरी में ही लागू करना था, उस वक्त माननीय हेमंत सोरेन जी जेल चल गए, जिसके कारण लेट हो गया। और लॉलीपॉप का जहाँ सवाल है, तो वो भी तो आप भी तो गोगो योजना लागू लाए, लेकिन वो फॉल्स था, न उसमें अकाउंट नंबर था, न आधार कार्ड नंबर था, तो आप कैसे पैसा भेजते? पैसा भेजने को तो वो सब पब्लिक समझ चुकी है कि ये वो लॉलीपॉप था, गोगो योजना लॉलीपॉप था, ये लॉलीपॉप नहीं। ये तो मिल रहा अभी 4 दिन बाद, अभी देखिए 2-3 दिन में अभी फिर सबका चौथा किस्त घुसेगा। विपक्ष कह रही है कि संथाल परगना बांग्लादेशी है, उसको लात मार के लोग बाहर करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? उनको जो कहना है कहेगा, हम मेरा जो पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनको बैलेट तो आजकल नहीं, ईवीएम मशीन में दबा करके उनका जवाब दिया जाएगा। आप खेल मंत्री होने के नाते वादा किए थे कि हर एक पंचायत में एक एक क्लब बनाएंगे, 5-5 लाख रुपए देंगे, तो वो योजना अभी तक कहाँ है? देखिए उसमें कुछ हुआ है, उसमें प्रक्रिया थोड़ा जटिल है कि कोई भी उस जब एजी का है विधि विभाग, उसमें ऑब्जेक्शन कर दिया कि क्लब को बगैर रजिस्ट्रेशन करके पैसा आप नहीं दे सकते हैं, हमने रजिस्टर्ड क्लब रहेगा तभी आप उसमें पैसा डाल सकते हैं, उसका पैन नंबर चाहिए, उसका और सारा चीज़ जो है उस तरह चाहिए, नहीं तो आप लोग, तो उसमें लेट हो गया, कुछ का पैसा घुसा है अभी, 25-25 हज़ार, कहीं कहीं 1 लाख, कहीं
मैंने जहाँ जिस तरह है उस तरह वहाँ घुसा। जनता से मंत्री जी क्या अपील करेंगे इस चुनाव? देखिए, ये मधुपुर के बारे में पहले मैं अपील करूँगा कि एक शांत मधुपुर, एक सुंदर मधुपुर, जो मेरे वालिद साहब का सपना था, उस सपने को आगे हम बढ़ाएंगे। और पूरे झारखंड का ये, झारखंड के लिए ये है कि आप फिर से हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाएं। और हेमंत सोरेन जो है वो गुरु जी का बेटा है, जिन्होंने 12 साल के उम्र से, जब उनके पिताजी की हत्या हुआ, गुरु जी का उम्र 12 साल था, उसके बाद से ही वो संघर्ष करते ताउम्र में, अभी तक वो जब तक स्वस्थ रहे, अभी 5 साल पहले तक उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया। और उनका ही बेटा माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, और वो भी गरीबों के लिए ही लगे हुए हैं। सबसे पहला हम लोग का जब सरकार बना था, हम लोग सर्वजन पेंशन योजना लाए 2021 में, फिर 22 में, 23 में, कि कोई भी आदमी पहले पेंशन के लिए मोहताज था, मोहताज नहीं रहा। ठीक है, आप सरकार के एक मंत्री हैं और यहाँ पे उस तपाती धूप में उत्पात सिपाही का दौड़ करा, जिसमें 20 अभ्यर्थी की जान चली गई, उस पर सरकार चुप क्यों? देखिए, उसमें सभी जो इस तरह का दुर्घटना हुई, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए कुछ रकम हम लोग उनको दिए हैं, और हम लोग आगे भी उसके लिए वहाँ, जिस दिन हम लोग कुछ कुछ सबको दे रहे थे, उस दिन सारे लोग बोले कि हम लोग को नौकरी में कहीं कुछ ये कराइए, तो उसमें भी सरकार विचार कर रही है, हम लोग उसके लिए भी कुछ करेंगे। सर, आपसे अंतिम सवाल है कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर आपके सरकार ने वादे किए थे कि स्नातक को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये पेंशन देंगे, तो वो योजना अभी तक कहाँ है? पूरे सरकार जब आपकी बनी थी उसी समय ये हुआ था, आपके लगभग 5 साल बीतने को है। देखिए, उसमें भी आप जब 5 साल का कार्यकाल निकालिएगा तो 2 साल तो कोरोना गया, 3 साल में बहुत उठापटक हुआ, सरकार चलने नहीं दे रहा था, जिसके चलते हम लोग बहुत सारी योजना नहीं, लेकिन अगला बार मैया सम्मान योजना जिस तरह है, उसी तरह भैया सम्मान योजना भी हम लोग को लाने का विचार है। और जो भी बेरोजगार व्यक्ति हैं 18 साल से ऊपर, उसको हम लोग सहायता राशि देंगे।